नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं स्वागत करता हूं आपके इस वीकली फंडामेंटल शो। तो अब हम आज के एपिसोड में बात करेंगे कि क्यों केमिकल सेक्टर इतना डाउन है इंडिया में। अभी भले हम अगर निफ्टी को देखें और बाकी सेक्टर्स को देखें, वो काफी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट केमिकल्स ड्यू टू सम रीजन वो इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे और काफी अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आज हम इसे डिकोड करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन से कि इंडिया का केमिकल सेक्टर है कैसा। ओवरऑल इंडियन केमिकल सेक्टर को अब जब 2021 की रिकवरी हो रही थी तो माना जा रहा था कि इट विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द कमिंग ईयर्स। एंड वो इसलिए माना जा रहा था बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी और इंडिया में केमिकल्स पे फोकस एंड ईवी एज वेल। पर अब हम ये देख रहे हैं कि केमिकल्स आफ्टर द 2021 एंड 2022 रन अब वो बहुत नीचे आ गया और कई स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो वो 30-40% भी डाउन हो चुके अपने प्रीवियस हाई से। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो दीपक नाइट्राइड अराउंड 26% डाउन है और आज हम ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं आज का डेट 21st of November है और आपको ये वीडियो इस सैटरडे को मिलेगा। सो कीपिंग इन माइंड अबाउट दिस थिंग, अभी तक दीपक नाइट्राइड 26% डाउन है। व्हेन वी लुक एट अतुल लिमिटेड इट इज 37% डाउन एंड वन मोर स्टॉक विनति ऑर्गेनिक्स इट इज ऑल्सो 26-27% डाउन। एंड रिसेंटली कोटक ने भी स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया है। भले अगर आप एक महीने पहले की अगर आप स्टोरी देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि अब रिकवरी आने वाला है केमिकल्स में, बट वैसा होते हुए नजर नहीं आ रहा, फिर से वो अपने लोअर हाइज और लोअर लोस की तरफ जाने लगा है। तो अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वी स्टिल फील कि वैल्यूएशंस आर स्टिल स्ट्रेच्ड। तो अब हम screener.in पर चलते हैं और यहाँ पे हम जाके कुछ कंपनीज का एग्जांपल लिखेंगे और ये पता करेंगे कि क्यों इनका वैल्यूएशन स्ट्रेच नजर आ रहा है जबकि प्राइजेस आर स्टिल लो। सो यूजुअली व्हेनेवर वी से कि प्राइजेस आर लो, जब कोई भी स्टॉक का प्राइस गिर रहा होता है तो आमतौर पर सबको लगता है कि उसका पीई रेशियो भी गिर रहा होगा और वो स्टॉक सस्ता हो गया। बट अभी हम केमिकल्स का जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीई उल्टा बढ़ रहा है इन स्टॉक्स का, मतलब कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहा है और भी ऊपर जा रहा है। लेट्स पिक दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट का जब आप प्राइस देखो, जैसे मैंने बोला 26% डाउन है। व्हेन वी गो टू पी रेशियो, आप यहाँ चेक कर सकते हो कि पी वॉज अराउंड 27 इन फेब्रुअरी ऑफ 23 और अभी वो हाई 41-42 भी जाके आया है इन दिस टाइम जबकि प्राइजेस आर लो। दिस हैपेंड बिकॉज उनका अर्निंग्स कम हो गया है और अर्निंग्स दो चीज से कम हो सकती है, एक आपके रेवेन्यूज कम हो, दूसरे आपके मार्जिन्स कम हो। पर केमिकल सेक्टर में डबल वैमी आके रखा है, इनके ना रेवेन्यूज आ रही है और ना ही इनका मार्जिन अच्छा आ रहा है। तो रेवेन्यूज भी गिर रहे हैं जिसके कारण स्टॉक्स उतना पैसा नहीं कमा पा रहे और दूसरा अर्निंग्स मार्जिन भी गिर रहे हैं जिसके कारण इनका ओवरऑल ईपीएस गिर रहा है। सो यू नो द फॉर्मूला ऑफ पी रेशियो, इट्स प्राइस बाई अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस बाई ईपीएस। तो जब ईपीएस ही नीचे होगा तो सिंपल मैथ्स लगाने से भले आपका प्राइस ऊपर हो एंड प्राइस इज गोइंग डाउन, बट अगर ईपीएस उससे भी ज्यादा जल्दी जा रहा है नीचे तो वो ओवरऑल उसका जो मैथ्स आता है उसके कारण से पी ऊपर बढ़ जाता है। एंड दैट यू कैन सी ऑन द क्वार्टरली रिजल्ट्स एज वेल ऑफ दीपक नाइट्राइट। जून में 2000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, 17% इनकी मार्जिन्स थी और वो अब नीचे आके 12% पे भी आ चुका है। एंड आप अभी तो 12-17% होके रखा है, बट आप पहले देखोगे 2020 के मार्जिन्स को, 21 के मार्जिन्स को, तो 28-30% था। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग डिप इन द ओपीएम परसेंटेज ऑल्सो। तो जैसे कि अब तक हमने ये कवर कर लिया कि प्राइसेस आर लो, वैल्यूएशंस आर हाई, मतलब कि अभी भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि केमिकल सेक्टर उभरने वाला है। पर अब पता करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है केमिकल सेक्टर में। इसका बहुत सारे रीजंस है। नंबर वन इज ग्लोबल मार्केट इज वेरी डाउन अभी इकोनॉमी वाइज, तो जिसके कारण कोई डिमांड ही नहीं आ रहा है इनके एंड सेक्टर्स में जो एंड यूजर्स होते हैं। जैसे कि आप ये लिस्ट देख सकते हो, ये सारे जो एंड यूजर्स है इन सब में कोई डिमांड उतना नहीं है जितना ये लोग ने सोचा था और एस्टिमेट किया था 2021 में। तो 2021 में काफी इन्वेंट्री पाइलअप हुआ था और जो डिमांड का जो फोरकास्ट हुआ था उसके कारण से ये लोग ने केपेक्स भी बहुत बढ़ा दिया था। सो केपेक्स बढ़ाने से क्या होता है, इनको डेट लेना पड़ता है जिसके कारण से इनके इंटरेस्ट पेमेंट्स भी हाई हो जाते हैं। और जब आप केपेक्स करते हो, नई फैक्ट्रीज बनाते हो, पर आपका उतना डिमांड नहीं और आपका उतना प्रोडक्शन नहीं है तो उसके कारण से आपके मार्जिन स्क्वीज हो जाते हैं। सो अब ये जो चीज है, डिमांड उतना नहीं है, वो डिमांड स्लगिश ही दिखते जा रहे हैं। और जो अभी लास्ट वन मंथ में जो हुआ था कि थोड़े से प्राइस अप मूवमेंट आए थे, दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ फ्यू कंपनीज जो बोल रहे थे कि उनका डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखते हुए नजर आ रहा है। बट अगर आप ओवरऑल देखें इंडस्ट्री को तो वो वैसा नहीं है। इट वाज जस्ट बिकॉज कि चाइना में कुछ कुछ जो केमिकल्स है उनके प्राइस बढ़ गए थे जिसके कारण से वो एक
ऑप्टिमिज्म सा फील हुआ था कि अब प्राइसेस आर अप बिकॉज डिमांड इज अप, बट इट वॉज नॉट दैट वे. एंड अभी जो डी स्टॉकिंग का प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू हो रहा है. डी स्टॉकिंग मतलब जो एंड यूजर्स है वो केमिकल्स को उतना स्टॉक पाइल नहीं कर रहे, वो भी अपने स्टॉक को उल्टा कम कर रहे हैं. वो तभी कम करेंगे जब उनको खुद को अपने प्रोडक्शन फोरकास्ट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो, और ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन रहता है. एक रेड फ्लैग आप देख सकते हैं कि अगर एंड यूजर्स को ये डिमांड नहीं मिल रहा तो केमिकल्स एज अ होल सेक्टर में ये डिमांड की प्रॉब्लम रहने वाली है. सो नाउ जो आप इन्वेस्टर्स हो, वो आप इन्वेस्ट कैसे करें केमिकल सेक्टर में, तो आपको ये चीज सोच के चलना पड़ेगा. केमिकल्स में तीन चार टाइप्स के केमिकल्स होते हैं. एग्रोकेम होता है, स्पेशलिटी केमिकल्स होती है, जनरल केमिकल्स होता है जिसे हम इंडस्ट्रियल या फिर कमोडिटी केमिकल्स भी बोलते हैं. तो आपको कमोडिटी केमिकल्स या इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो होता है, जो एंड यूजर्स में काम आता है इन जनरल, उससे आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए फॉर अ फॉरसीएबल फ्यूचर, बिकॉज उसमें डिमांड हमें नजर नहीं आ रहा उतना. लेकिन जो स्पेशलिटी केमिकल्स होती है उनमें जो कंपनीज है उन सबके अपने अपने एक्सपर्टीज होते हैं और उनके खुद के यूनिक एंड यूजर्स होते हैं. So you as an investor have to identify which industries, कौन सा इंडस्ट्री ऐसा है globally and in Indian market जिसका forecast अच्छा है in the coming 1 year and 2 years, और जो लोग chemicals को stockpile कर रहे हैं specialty chemicals को. तो जब आप ये identify कर लेते हो कि कौन सा specialty chemicals का demand आने वाला है, तो आप automatically ये find करना आपके लिए easy रहेगा which companies are making those products. So जब मैं ये सारे process को follow करता हूँ, एक company मेरे दिमाग में आता है जिसका नाम है Neogen Chemicals. Neogen Chemicals ब्रोमीन और लिथियम बेस्ड केमिकल कंपाउंड्स बनाता है, और एंड यूजर्स इसके आने वाले समय में ईवी मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है. तो लिथियम का नाम आप काफी टाइम से सुन रहे होंगे, ये न्यूज में काफी टाइम से चल रहा है. इसका ये एक मेन रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर में इसका बहुत बड़ा डिपॉजिट मिला, एंड ऑल्सो लिथियम ईवी मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है. ये दो रीजन के कारण हमें लिथियम का नाम काफी सुनने में आता है, और इसी कारण से हमें Neogen Chemicals की तरफ भी फोकस किया है. जब आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हो, आपे नजर आएगा कि डेट इस कंपनी का 3x हुआ है इन लास्ट 3 years, और सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा 30-31% पे है. EPS ग्रोथ भी इसका काफी अच्छा है इन लास्ट 2 years. जब आप बाकी कंपनी से कंपेयर करोगे तो इसका EPS सस्टेन हुआ है अपने हाई लेवल पे, विच इज अ गुड साइन. और जब हम इसका डेट का बात करते हैं, दैट वॉज बिकॉज ऑफ केपेक्स. जो ये केपेक्स कर रहा है आने वाले जो डिमांड फोरकास्ट है उसके कारण से, जो डिमांड इसको लग रहा है कि 26-27 में एक मार्केट जो ईवी का है वो 30-32% पहुंच जाएगा शेयर्स में बाय 2030, तो उसका डिमांड 27 से आने लग जाएगा ऑटो इंडस्ट्री में. उस हिसाब से ये लोग अपने केपेक्स को कर रहे हैं. अब जैसे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देख लो, जो एक चीज हमें नजर आया था OPM ऑफ अतुल लिमिटेड एंड अदर कंपनीज, जिनका OPM बहुत ज्यादा कम हुआ था बाय फ्रॉम 30% हाई टू अराउंड 12-13%. इसका OPM जो था मार्च 2021 में जो पीक हुआ है, दैट वाज 19% एंड नाउ इट इज अराउंड 16%. तो ये उतना भी डिफरेंस नहीं है, विच इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी. एंड व्हेन वी गो डाउन एंड लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर होल्डिंग इसका काफी स्टेबल है अराउंड 60%, जो अभी 2-3% गिरा है नवंबर 2023 में. And that clearly has gone to DIIs because public shareholding जो है वो कम हुआ है, which is a good sign. मैं हमेशा कहता हूँ कि public shareholding अगर कम रहे उतना ही अच्छा रहता है, because public के पास जो holding capacity है वो उतनी होती नहीं है, और वो panic selling भी कर सकते हैं stocks. So now looking at the overall picture, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि coming 2 quarters will be very crucial. तो आपको कोई भी केमिकल स्टॉक्स मिलते हैं उनका स्टडी अच्छे से करिए, उनके नंबर्स को देखिए, एंड इट वोंट टेक टू मच टाइम, बिकॉज आपको दो चीज पे फोकस करना है, रेवेन्यू ग्रोथ एंड OPM ग्रोथ. अगर ये दो चीज आपको विजिबल होने लग जाती है, देन वी कैन से दैट की रिवाइवल इज ऑन द कार्ड्स. एंड सिंस ऑल्सो देर आर सो मेनी एनालिस्ट दैट आर कवरिंग केमिकल सेक्टर राइट नाउ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था केमिकल सेक्टर का फ्यूचर इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, तो उस हिसाब से इस पर फोकस हमेशा से रहेगा. So you can read about it a lot. आपको इसके बारे में काफी articles मिलेंगे जो इसको cover करेंगे. So in the next 2 quarters आपको इसके numbers पे ध्यान देना होगा. China में क्या हो रहा है in the chemical space, उस पर ध्यान देना होगा कि आप China में अगर revival आता है तो India में भी revival के आने के chances बढ़ जाएंगे. मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आने से जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपको जो भी फीडबैक हो वो कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले. टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीकेंड.